आप देख रहे हैं वार्ता 24। अगर कोई व्यक्ति कहता है कि उसे मौत से डर नहीं लगता तो वह झूठ बोल रहा है या फिर गोरखा है। यह बयान भारतीय सेना के पहले फील्ड मार्शल जनरल मानेकशॉ का है। मौत का दूसरा नाम गोरखा रेजिमेंट। जय महाकाली आयो गोरखाली के नारे के साथ दुश्मनों पर टूट पड़ने वाली भारतीय सेना की सबसे खूंखार रेजिमेंट। अब ये रेजिमेंट जवानों की कमी से जूझ रही है। अग्निपथ स्कीम आने के बाद लगातार तीसरी भर्ती में नेपाली गोरखा भारतीय सेना में शामिल होने नहीं आए और दूसरी तरफ चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी यानी पीएलए में उनकी भर्ती करने की कोशिश कर रही है। साल 1814 की बात है। 31 अक्टूबर देहरादून शहर से 5 किलोमीटर दूर सहस्त्रधारा रोड पर नाला पानी के पास स्थित हलंगा किला, अंग्रेजों के 3500 सैनिकों ने गोरखाओं के इसी किले पर हमला कर दिया। एक ओर भारी भरकम अंग्रेजों की फौज थी जिसके पास तोप और गोला बारूद जैसे आधुनिक हथियार थे, वही सामने थे गोरखा जिनके हाथों में खुखरी, धनुष, बाण और पत्थरों से बने स्थानीय हथियार थे। सिर्फ 600 गोरखा सैनिकों ने नाला पानी के पहाड़ पर अंग्रेज सेना के हमले को 3 बार नाकाम किया। जब अंग्रेज गोरखाओं को हराने में नाकाम रहे तो उन्होंने खलंगा के किलों की पानी की सप्लाई रोक दी। पानी बंद होने से लोगों की परेशानी बढ़ने लगी। करीब 1.5 साल युद्ध चलता रहा। आखिरकार सुगौली की संधि हुई और युद्ध थमा। इसके बाद नेपाली सेना के कमांडर बलभद्र कुंवर ने खुद अपनी इच्छा से नाला पानी छोड़ दिया और अपने सैनिकों के साथ वहां से चले गए। नेपाली सेना के जाते ही ईस्ट इंडिया कंपनी ने वहां 2 स्मारक बनाए। एक पर ब्रिटिश आर्मी के जनरल गिलेस्पी का नाम लिखा था और दूसरे पर बलभद्र कुंवर का, जिन्हें अंग्रेजों ने वीर दुश्मन कहकर संबोधित किया। साल 1947 में भारत ब्रिटिश हुकूमत से आजाद हुआ। आजादी के वक्त जब ब्रिटिश सेना में 10 गोरखा रेजिमेंट थी, अंग्रेजों ने फैसला किया कि 10 में 6 रेजिमेंट भारत को दे दी जाएगी और बाकी 4 अंग्रेज अपने साथ ले जाएंगे। उन 4 रेजिमेंट के गोरखाओं ने अंग्रेजों के साथ जाने से इनकार कर दिया। पिछले साल जब अग्निवीरों की भर्ती हुई तो भारतीय सेना ने नेपाल में भी गोरखाओं के लिए जुलाई 2022 में भर्ती रैली के आयोजन की तारीख तय की। हालांकि नेपाल सरकार की इजाजत न मिलने की वजह से भर्ती रैली नहीं हो पाई। उस वक्त नेपाल में सियासी उथल पुथल भी मची थी। वहां के प्रशासन ने कहा कि नेपाली नौजवान अग्निपथ स्कीम में आएंगे या नहीं, इसका फैसला नई सरकार लेगी। इसके बाद भारत ने नवंबर 2022 के चुनावों से पहले नेपाल सरकार के अनुरोध पर 24 अगस्त को भर्ती रोक दी थी। कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि चीन भी नेपाली गोरखाओं को अपनी पीपल्स लिबरेशन आर्मी यानी पीएलए में भर्ती करना चाहता है। वहीं गोरखा रेजिमेंट के अनुभवी रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल शौकीन चौहान कहते हैं कि प्रकृति वैक्यूम यानी खालीपन से नफरत करती है। ऐसे में यदि भारत नेपाल में स्पेस देता है तो जाहिर तौर पर चीन जैसा कोई देश इसमें कदम रखने की कोशिश करेगा। हालांकि कुछ लोगों का दावा है कि ऐसी आशंकाएं निराधार है। काठमांडू पोस्ट ने डेनमार्क में पूर्व नेपाली राजदूत विजय कांत कर्ण के हवाले से कहा है कि मौजूदा राजनीतिक परिदृश्य में नेपाल चीन सहित किसी भी देश के साथ नई गोरखा भर्ती संधि पर हस्ताक्षर नहीं कर सकता है। ऐसे ही तमाम जानकारी के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए वार्ता 24 न्यूज़।